हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं शबी हसन और आप देख रहे हैं अमाफा हर्बल यूट्यूब चैनल की नई पेशकश। और आज इस पेशकश में मैं आपको सचिन कुमार वर्मा जी से मिलवाऊंगा और उनके इंटरव्यू के दौरान जो जो मैंने प्रश्न पूछे हैं उस प्रश्न के जरिए से आपको कुवैत देश के बारे में बहुत ही ज्यादा और अच्छी दिलचस्प जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको मिलवाऊंगा सचिन कुमार वर्मा जी से और ये कुछ बताएंगे आप। चलिए भाई, सचिन कुमार वर्मा जी से मिलते हैं और इनकी जुबानी जानते हैं क्या ये आपको बतलाएंगे। तो सचिन कुमार वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आपको मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप कुवैत कंट्री में कितने साल से लगभग रह रहे हैं? लगभग हमें तो 3-4 साल हो गए हैं। और थैंक यू वेरी मच आपको हमें याद करने के लिए। और ऐसी कोई बात नहीं है, 4 साल लगभग काम कर चुके हैं, सब कुछ ठीक है। अच्छा सचिन कुमार जी, एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप यहाँ कुवैत में रह रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे गाड़ी वगैरह भी है, आप अपना बिजनेस भी करते हैं, यहाँ पे एक अच्छी इनकम करते हैं, तो यहाँ पे आप हमारे जो बहुत से व्यूवर्स हैं ड्राइविंग लाइन में आना चाहते हैं, तो आप उनके लिए कुछ बताना चाहेंगे कि यहाँ पे कैसे गाड़ी चलाएं, क्या इसमें रूल रेगुलेशंस का ध्यान रखें, बस थोड़ा सा हिंट चाहेंगे आपसे हम। ऐसी कोई बात नहीं है, जो भाई साहब आना चाहते हैं आएँ, लेकिन जिम्मेदारी से जो है अपना समझ के जो है कुछ भी काम करें, अपने जिम्मेदारी से जो है काम करेंगे तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फिलहाल रही बात गाड़ी चलाने की, तो भाई वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना है। ये है कि कोई आपको कह ना सके, आप अपने जिम्मेदारी से अच्छे से चलाइए। सचिन कुमार जी, बड़ा अच्छा लगा, आपने हमारे व्यूवर्स को अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन एक चीज़ मैं आप सभी व्यूवर्स से कहना चाहूँगा कि देखिए, ड्राइविंग के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप YouTube के चैनल पर जाकर के आप और भी वीडियो देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। बहरहाल सचिन कुमार वर्मा से जानते हैं कि यहाँ कुवैत के लोग कैसे हैं और कुवैत कंट्री को कैसा लगता है, इतने सालों में क्या इनका दिल लगा है, कैसा महसूस करते हैं, जानते हैं इनकी ज़ुबानी। फ़िलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं है, कुवैत के लोग सारे अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है। वो अपने ऊपर ये डिपेंड करता है कि हमें काम कैसे करना है। रही बात उनकी, तो वो सब सारे लोग अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आप जैसे व्यवहार करेंगे, जैसे रहेंगे आपके साथ, वैसे ही व्यवहार करेंगे। फ़िलहाल तो हम तो 4 साल से रह रहे हैं, फ़िलहाल हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बिंदास बढ़िया फर्स्ट क्लास काम चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। सचिन कुमार वर्मा जी, आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ कुवैत में पिछले करीबन 4 सालों से रह रहे हैं और यहाँ पे आपको कोई दिक्कत या परेशानी कभी हुई हो? जी नहीं, अभी तो फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं हुई। और फिलहाल ये ऐसी जगह है कि यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आप जैसे रहेंगे वैसे ही आपके साथ बर्ताव होगा, जैसे करेंगे वैसे होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक ही चल रहा है। सचिन कुमार वर्मा जी, आप हमें एक चीज़ ये बतलाइए कि क्या आप सुबह शाम या किसी एक टाइम पूजा पाठ करते हैं? हाँ करते हैं, ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे पूजा पाठ वगैरह अलाउ तो नहीं है, कर सकते हैं आप अपना घर के अंदर कुछ भी कर सकते हैं बाहर। लेकिन आप कमरे में तो करते होंगे, कोई इसमें दिक्कत परेशानी तो होती नहीं होगी यहाँ? हाँ कमरे के अंदर तो फिलहाल सभी लोग करते हैं, हम ही थोड़ी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वैसे तो मैं बताऊं, मैं भी इंडियन हूँ और इंडिया का हर एक भाई मेरा अपना भाई है और यहाँ पे पूरी आज़ादी है आराम से रहने की, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं ना। तो सचिन कुमार वर्मा जी के माध्यम से हम जाने कि कुवैत एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा देश है और यहाँ की गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। और मैं आपको एक गुड न्यूज़ देते चलूँ कि आपको यहाँ पे सैलरी का वेट नहीं करना पड़ेगा, सैलरी भी आपको टाइम पे ही मिल जाएगी, हो सके तो 2 दिन पहले मिल जाएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं सचिन कुमार वर्मा जी से, क्या सैलरी इनको राइट टाइम मिलती है? जी हाँ, सैलरी तो हमें फ़िलहाल राइट ही टाइम पर मिलती है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे पैसे के लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट बहुत ही अच्छी है, हम लोगों के लिए कोई असुविधा ऐसी चीज़ नहीं है। तो आप जाने, नए व्यूवर्स जितने भी देख रहे हैं, आप आ सकते हैं कुवैत बेझिझक होकर के और आराम से, कोई यहाँ पे परेशानी नहीं ना। और बहुत बेहतर, बहुत ही खूबसूरत देश है और यहाँ पे हर एक लोग आराम से कमा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।